है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है पावर प्लांट की तरफ से। तो गाइस यहाँ पे जो आप सभी की वैकेंसी रहने वाली है ये है SABS एनर्जी इन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड। गाइस ये जो है एनर्जी ऑडिट सर्विस है और एनर्जी के क्षेत्र में वर्क करती है। एक तरीके से ये पावर प्लांट है और यहाँ पर एनर्जी आप लोगों का जो है जनरेशन होता है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रखी है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके से अप्लाई करना है। और सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, जो स्टूडेंट हमारे एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू करें और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। साथ ही एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अपनी ब्रांच और अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी की क्वालिफिकेशन के देखने के अकॉर्डिंग अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए गाइस यहां पर हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन अगर आप सभी ने यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो आप लोग एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने BE किया है या फिर BTEC किया है आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। गाइस जो हमारे ITI वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो ITI वाले कैंडिडेट अपनी ब्रांच और अपना जो लोकेशन है वो मेंशन जरूर करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप सभी के ब्रांच रिलेवेंट ला पाएं हम। तो गाइस यहाँ पर जो वैकेंसी है फाइनल ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे फ्रेशर हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए तो ये वैकेंसी बिल्कुल है, साथ ही एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें फाइनल ईयर वालों की, जो हमारे अभी पास आउट होने वाले हैं फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो है मेन जो है इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ जो वैकेंसी है SABS एनर्जी इन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। गाइस ये इनकी ऑफिशियल जो है इनका पेज है और गाइस आप सभी देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है। आप लोग देखिए यहाँ पर जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, गाइस देखिए यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और साथ में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जीरो ईयर एक्सपीरियंस है जिन स्टूडेंट के पास वो भी एलिजिबल है, साथ में फाइव ईयर स्टूडेंट मतलब जो फाइव ईयर तक का एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट एलिजिबल है। गाइस आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 तक का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस अगर आप फ्रेशर फाइनल ईयर हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा BE BTEC किया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इंदौर मध्य प्रदेश में रखी गई है और यहाँ के भी हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है कमेंट आते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ आप लोग कमेंट कर दीजिए। जैसे कि आप लोग कमेंट कर देते हैं तो भले ही 4 स्टूडेंट कमेंट करें लेकिन हो सकता है अगर उनके क्षेत्र में या फिर उनके स्टेट में कोई भी वैकेंसी मुझे मिलती है तो मैं उनके लिए अपडेट ज़रूर करती हूँ, जिससे कि वही कुछ स्टूडेंट ही भले ही जा पाएँ। तो गाइस देखिए यहाँ जो आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद, यहाँ पर आप लोग का HR का नाम दिया गया है, टेक्निकल डायरेक्टर का नंबर दिया गया है। तो आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगी, देखिए गाइस क्या होता है कि हम लोग वीडियो यहाँ पर जो है बनाते हैं उसके बाद क्या होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल जाने लगती हैं, जिससे कि देखिए कोई भी स्टूडेंट कोई भी मतलब इरीटेट होने लगेगा। आप ही एक जगह उस जगह पर होंगे आप भी इरीटेट होने लगेंगे, इसलिए आप सभी जो है कॉल ना किया करें। आप लोगों से कहा गया है कि ये जो 2 ईमेल ID दी गई हैं इन पे अपना रिज्यूम सेंड करेंगे। अब कौन कौन रिज्यूम सेंड करेंगे वो देखिए इसमें नीचे दिया गया है, वी आर हायरिंग ओपनिंग पोजीशन, किस किस पोजीशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट कई सारी ब्रांच होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जितनी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट ब्रांच हैं वो सभी अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से मैकेनिकल से रिलेवेंट, जैसे मैकेनिकल RAC, मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फिर अदर कोई भी मैकेनिकल से रिलेवेंट होती है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले, अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। ये जो वैकेंसी दी गई है ये डिप्लोमा वालों के लिए दी गई है, साथ में ये BE BTEC वालों के लिए। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ पर BE BTEC वालों के साथ साथ मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट हैं वो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करें, जिससे कि अगर हमारे यहाँ पर BE BTEC वाले यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है बट अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो डिप्लोमा वालों को हायर कर लिया जाता है। बस थोड़ा सैलरी कम रहता है, बाकी और कोई इशू नहीं रहता है। अगर बात करें एक्सपीरियंस वालों की तो देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को दिया गया है 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस वालों को बस सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है CV सेंड करना है, बताया गया है
कि आप लोगों को सीवी जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो सीवी सेंड करेंगे, जो फ्रेशर है रिज्यूम सेंड करेंगे। सीवी आप लोग को ये जो है दो आप लोग के ऊपर ईमेल आईडी दी गई है, इन ईमेल आईडी पे दोनों पे करना है और आप सभी जल्दी से जल्दी करेंगे जिससे कि आप लोग को जल्दी रिवर्ट आ सके। तो गाइस आप लोगों को करना है, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए ये जो दोनों है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है उस ईमेल आईडी पर पहुँच जाएंगे। तो आपको जब यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको कवर लेटर प्लस रिज्यूम सेंड करना है। अब कवर लेटर कहाँ मिलेगा वो जानिए, कवर लेटर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कवर लेटर में जो है आप लोग अपना एडिट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने कवर लेटर आप लोगों को प्रोवाइड किया, पिन भी कर रखा है, जैसे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से ऊपर चैनल का नाम दिया होता है गाइस, चैनल के नाम के नीचे यहाँ पर दिया गया होता है, यहाँ लिखा होगा कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर अगर नहीं भी लिखा है तो भी आप लोग यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो एक दो बार तो भी आप लोग को मिल जाएगा, उसी जगह आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आप लोग को, कवर लेटर वहाँ से करना है कॉपी। कॉपी जब आप लोग करने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो है अपना जैसे अगर वहाँ पर नाम दिया गया है तो नेम की जगह ऐसा नहीं है कि नेम ही लिख देना, उसमें क्या करना है उसको वहां से एडिट करना मतलब डिलीट करना है, उसको अपनी जगह पर अपना नाम लिखना है। इसी तरीके से वहां पर दिया गया मान लीजिए ब्रांच, तो अपनी ब्रांच डालनी है। अगर वहां दिया गया कॉलेज नेम तो कॉलेज नेम डालना है। अपना जो है आपका पोजीशन, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आप लोग उसे सेंड कर देंगे, पहले कवर लेटर सेंड करेंगे उसके बाद रिज्यूम। तो गाइस इसी तरीके से करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें।